एंड दिस इज अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने पेन ड्राइव को कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से बूटेबल कैसे बना सकते हैं, और उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी एक विंडो 10 की और एक पेन ड्राइव की। विंडो 10 कैसे डाउनलोड करना है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ऑन करिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। आप अपना पेन ड्राइव अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दीजिए। तो आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले करना कि आपको प्रेस करना है विंडो बटन प्लस R, और यहाँ पर टाइप करना है CMD और एंटर प्रेस कर देना है। आपके सामने CMD स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट आप ओपन करने के बाद आपके सामने एक दूसरा कमांड स्क्रीन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये फॉलोइंग कमांड लिखना है इसको परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है लिस्ट डिस्क। आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने एक दिखाएगा डिस्क 0, एक दिखाएगा डिस्क 1। तो डिस्क 0 जो है वो हमारा इंटरनल हार्ड ड्राइव शो करता है, जो डिस्क 1 है यहाँ पे वो जो है इस पेन ड्राइव को शो कर रहा है जो आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है सेलेक्ट डिस्क 1, SEL डिस्क 1। आपका जो डिस्क 1 है वो सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है क्लीन, फिर इंटर प्रेस कर देना है। तो आपका जो डिस्क है वो सक्सेसफुली क्लीन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो उसके बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो पार्टीशन है वो सक्सेसली क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सेलेक्ट पार्टीशन 1, पार्टीशन 1। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS, फिर आपको स्पेस देके लिखना है यहाँ पे क्विक। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो डिस्क है वो सक्सेसफुली फॉर्मेटेड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एक्टिव और फिर एंटर प्रेस कर देना है। आपका जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जिट लिख के एंटर प्रेस कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपका जो ये पेन ड्राइव है इसमें आपकी जो ISO डिस्क इमेज है विंडो की, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है, उसकी जो पूरी सोर्स फाइल है। और विंडो 10 कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं, या फिर मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी फाइल है इसको यहाँ पे कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए और इसको यहाँ से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आपको इस पेन ड्राइव में आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो ये थोड़ा कुछ टाइम लेगा कॉपी होने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो कॉपी हो गई है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो पेन ड्राइव है उसको आपको अपने लैपटॉप से डिसकनेक्ट कर देना है। डिसकनेक्ट करने के बाद आपको इस पेन ड्राइव को फिर से अपने लैपटॉप से इसको कनेक्ट करना है। आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे और फिर आप अपना दिस PC ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और वो आपको पता कैसे चलता है, वो इस साइन की वजह से, क्योंकि अगर ये नॉर्मल पेन ड्राइव रहता तो आपको ये SR ड्राइव की तरह साइन दिखाता। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।